पुराने शहर के कामाटीपुरा इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन के रूबरू आज कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आरटीसी मुलाजमीन की जानिब से जारी हड़ताल की तायद करते हुए एहतजाजी धरना मुनज्जम किया और पुलिस की जानिब से एहतजाजियों की गिरफ्तारी को जमहूरियत के मुगायर बताया है। सर 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 या कंधे नहीं ओके 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 भाई जरा ढकलो मत कोई चलो साइड में जो आरटीसी वर्कर्स के डिमांड से सरकार पूरे करना है, क्योंकि इलेक्शन चुनाव के टाइम पे आप वादा दिए, आपके वादा को निभाओ बोल के आज आरटीसी वाले पूछ रहे हैं। उन लोगों को दबाने के लिए, पुलिस को रख के मारने के लिए कोशिश करे तो ये नहीं होता। आज आज तो बच गए, मगर अगला दिन आऊंगे जो प्रगति भवन के गेट नहीं, प्रगति भवन को तोड़ेंगे। तेलंगाना 4 करोड़ लोग आवाम आवाज उठाए तो आप कहाँ रहते, सोचो केसीआर। आप ये मत समझो हमारे पूरे पुलिस पहाड़ों में, मैं प्रगति भवन में सो जा रहा हूँ, ये ज्यादा दिन नहीं है। इसीलिए हम लोग आपको बोल रहे हैं, इमीडिएट जो आरटीसी वर्कर्स है उन लोगों को बुला, बात करो, उनका तकलीफ क्या है दूर हटाओ, उनके तकलीफ हटाने के लिए आप कोशिश करो। अगर आप कोशिश नहीं करे तो आपको गद्दी से उतारने के लिए कांग्रेस पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी वर्करों को हम लोग तारीफ कर रहे हैं, आज सब कांग्रेस पार्टी वाले कोशिश करके केसीआर जो मस्ती है उसके मस्ती उतारने के लिए कोशिश करें। आगे भी हमारे लड़ाई ऐसे ही रहेंगे, हम लोग आरटीसी के साथ साथ रह के उनके साथ में कदम कदम रख के, कदम कदम मार के उनको मदद से हम लोग लड़ने वाले हैं।